So, hello everyone, welcome back on your own channel BioWalaz. Myself Hemant and I am your biology mentor on this particular online tutorial. So, in this video today, we are going to start a new topic of the biological classification chapter and it is shape and size of bacteria. So, in this basic lecture, we are going to study about the shape and size of bacteria. But before studying this particular topic of biological classification chapter, uh, we have to discuss about the all the topics that we have already covered in the previous lecture वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर अबाउट द सम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ़ द यू बैक्टीरिया हमने यू बैक्टीरिया के कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में स्टडी किया था कि यू बैक्टीरिया जो है उसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है उसकी डिस्कवरी कहाँ हुई थी और बैक्टीरिया से रिलेटेड जो भी बैक्टीरियोलॉजी जो कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल डील विद द ऑल द बिहेवियर एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया जिसे बैक्टेरियोलॉजी कहा जाता है तो बैक्टीरियोलॉजी से रिलेटेड जो भी साइंटिस्ट होते हैं उन साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन क्या रहा बैक्टीरियोलॉजी में उन्होंने क्या डिस्कवर किया इन सभी चीज़ों के बारे में आपने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया है उसी ही टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि बैक्टीरिया का बेसिकली शेप और साइज़ क्या होता है देखिए एनसीईआरटी में डायग्राम भी मेंशन किया हुआ है और इसके बारे में बेसिक डिटेल भी गिवन है बट हम यहाँ पे एन के पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए बियॉन्ड द एन मतलब जो चीज़ें एन में गिवन नहीं है उसे भी हम क्या करेंगे यहाँ पर एडवांस लेवल पे स्टडी करेंगे ठीक है तो देखिए तो आज के लेक्चर में बेसिकली जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उसमें एन की जो भी बेसिक बातें हैं वो ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाएंगी तो हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर बेसिकली आपको दिखाई दे रहा है टॉपिक ये है यहाँ पर शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट शेप की बात करेंगे उसके बाद हम साइज ऑफ़ बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे और वेन एवर वी टॉक अबाउट द सेप ऑफ बैक्टीरिया देन ऑन द बेसिस ऑफ द सेप बैक्टीरिया हैज़ बिन क्लासीफाइड इंटू फोर कैटेगरी यहाँ पे हम फोर बेसिक टाइप ऑफ शेप्स की बात करते हैं शेप की बात करते हैं जो कि बैक्टीरिया में ऑब्जर्व होता है और देखने को मिलता है तो देखिए हम वन बाय वन इन सभी शेप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये फोर शेप क्या क्या होते हैं ठीक है तो देखिए अगर हम वेरी फर्स्ट शेप ऑफ़ बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये क्या होता है स्टूडेंट ये होता है यहाँ पर क्या ये होता है यहाँ पे कोकस क्या होता है हम वेरी फर्स्ट शेप ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे दैट इज़ बेसिकली नन एज कोकस ठीक है कोकस के बारे में हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है किस तरह से बैक्टीरिया यहाँ पर किस शेप में और किस मैनर में अरेंज होते हैं हमें ये पढ़ना है अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ शेप में तो यहाँ पे बैक्टीरिया के शेप में हमें पढ़ना होगा नेक्स्ट शेप वो जो कि होता है बेसिलस क्या होता है हम पढ़ेंगे यहाँ पर बेसिलस शेप के बारे में तो देखिए फर्स्ट क्या है आपने देखा यहाँ पे फर्स्ट जो है यहाँ पे कोकस है सेकेंड में आपको बोल रहा हूँ बेसिलस शेप के बारे में हम स्टडी करेंगे और थर्ड शेप ऑफ बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड शेप में हमें यहाँ पे स्टडी करना होता है स्पाइरल शेप के बारे में किसके बारे में हम यहाँ पे स्पाइरल शेप के बारे में स्टडी करेंगे उसके बाद देखिए उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फोर्थ और लास्ट शेप के बारे में जो कि हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं विब्रियो क्या होता है ये ये विब्रियो होता है ठीक है तो हमें यहाँ पर ये सब सारे पॉइंट को डिस्कस करना है वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू रिवाइज इट यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या देखा है हमें इस टॉपिक में मतलब शेप ऑफ बैक्टीरिया में फोर बेसिक शेप ऑफ़ बैक्टीरिया की बात करनी है और इसमें जो वेरी फर्स्ट शेप है दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इट इज़ अबाउट द कोकस बेसिकली हम देखेंगे कि कोकस का मीनिंग क्या होता है इसके बारे में हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर मैंने बस आपको फोर बेसिक शेप जो कि बैक्टीरिया में ऑब्जर्व होते हैं उसके बारे में बताया तो फर्स्ट आपने क्या देखा फर्स्ट आपने देखा कोकस के बारे में नेक्स्ट uh, शेप आपने देखा बेसिलर शेप के बारे में जो थर्ड शेप होता है वो स्पाइरल शेप होता है और लास्ट क्या होता है यहाँ पे फोर्थ शेप विब्रियो होता है अगर यहाँ पे और भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें तो विब्रियो कहने का सेंस क्या होता है स्टूडेंट विब्रियो में हम ऐसे बैक्टीरिया की बात करेंगे जो कि किस शेप में पाए जाते हैं जो कि यहाँ पे कोमा शेप में पाए जाते हैं मतलब हम यहाँ पे कोमा शेप्ड बैक्टीरिया की बात करेंगे ठीक है अब देखिए अगर हम स्पाइरल की बात करते हैं तो स्पाइरल में हमें बेसिकली किस तरह के बैक्टीरिया को स्टडी करना होता है स्पाइरल शेप कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे हेलिकल शेप वाले बैक्टीरिया की बात करेंगे किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे हम यहाँ पे हेलिकल शेप में जो भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट देखिए अगर हम बेसिलस शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो बेसिलस का मीनिंग क्या होता है बेसिलस का मीनिंग होता है रॉड शेप्ड क्या होता है रॉड शेप बैक्टीरिया जो भी होते हैं जो कि रॉड शेप होते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जो वेरी फर्स्ट यहाँ पे शेप मैंने आपको बताया इट इज़ अबाउट द कोकस इसे यहाँ पर कोकाई भी कहा जाता है या कोकी इसे कहा जाता है ठीक है अब देखिए कोकस या फिर कोकाई की हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे पर वेरी फर्स्ट कैटेगरी जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो कि हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं इट इज़ अबॉट द कोकस ठीक है तो वन बाय वन इन सभी फोर शेप ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस कर लेते हैं और इसमें से जो वेरी फर्स्ट शेप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इट इज अबाउट द कोकस अब देखिए कोकस का मीनिंग क्या होता है मैं पहले आपको ये समझा देता हूं कि कोकस का बेसिकली मीनिंग क्या होता है देखिए कोकस का जो मीनिंग होता है स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है कोकस का मीनिंग यहाँ पर होता है स्फेरिकल शेप कौन सा से तो हम यहाँ पे कोकस के बारे में अगर बात करते हैं तो कोकस का मीनिंग क्या बताया मैंने आपको मैंने कहा कि कोकस का मीनिंग होता है यहाँ पे स्फेरिकल शेप अब ये स्फेरिकल शेप का मीनिंग क्या होता है स्फेरिकल शेप को ही आप कह सकते हैं कि ये राउंड शेप में मिलेंगे या आप ये कह सकते हैं कि ये किस में मिलेंगे ये ओवल शेप में मिलेंगे तो वो सभी बैक्टीरिया जिनका शेप स्फेरिकल होता है या फिर ये कहें कि वो राउंड शेप में हमें मिलते हैं तो उसे इस कैटेगरी में यहां पर हम स्टडी करने वाले हैं तो देखिए मैंने आपको कहा कि कोकस का मीनिंग यहां पे स्फेरिकल होता है इस, इसका मतलब ये है कि इन दिस पर्टिकुलर शेप ऑफ बैक्टीरिया यहां पर उन सभी बैक्टीरिया की बात करेंगे जो बेसिकली किस शेप में होते हैं स्फेरिकल शेप में राउंड शेप में होते हैं और ओवल शेप में होते हैं ठीक है आई होप कि आप यहाँ तक सारे पॉइंट्स को आ, समझ चुके होंगे इसके बाद देखिए इसके बाद अगर हम मोटिलिटी की बात करते हैं मतलब उसमें लोकोमोशन पाया जाएगा या लोकोमोशन नहीं पाया जाएगा अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली यहाँ पर स्टूडेंट क्या कहा जाता है कि ये जो आ, कोकस और इस्पेरिकल शेप रखने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं इसका कहने का मतलब यह है कि उसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जिसे हम यहाँ पर फ्लेजिला कहते हैं वो इसमें अपसेंट होता है ये नॉन मोटाइल होते हैं लोकोमोशन इसमें हमें देखने को नहीं मिलेगा तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट लिखा है कि दे आर ऑलवेज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट कि दे आर ऑलवेज नॉन मोटाइल ये क्या होते हैं ये यहाँ पर नॉन मोटाइल होते हैं नॉन मोटाइल कहने का सेंस क्या है कि इसमें यहाँ पे लोकोमोशन नहीं होगा और लोकोमोशन नहीं हो रहा है तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है इससे हम समझ सकते हैं कि इसमें यहाँ पे फ्लेजिला लाइक स्ट्रक्चर क्या होंगे अबसेंट होंगे ठीक है तो आपने ये पॉइंट यहां पर स्टडी कर लिया अब देखिए ये तो इतनी बातें तो एन ने कर रखी है अब एन ने जो जो नहीं बताया है हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं तो देखिए मैंने आपको कहा कि इसका जो शेप होता है स्टूडेंट इसका शेप आपने क्या देखा कि कुछ इस तरह से आप राउंड शेप इसको कंसिडर कर सकते हैं ये इस तरह के राउंड या फिर ओवल या स्पेरिकल शेप में मिलता है तो देखिए ये जो कोकस सेप वाले बैक्टीरिया होते हैं उसे भी यहाँ पे फर्दर कुछ कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा चुका है और ये जो बैक्टीरिया के जो क्लासिफिकेशन है इसमें वेरी फर्स्ट टाइप के जो कोकस शेप वाले बैक्टीरिया होते हैं उसे क्या कहते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये क्या है यहाँ पे है मोनोकोकस क्या है मोनोकोकस है और मोनोकोकस टर्म का हम मीनिंग पहले समझते हैं उसके बाद हम समझेंगे कि बेसिकली इसमें क्या होता है तो देखिए मोनो मोनो का मीनिंग क्या होता है मैंने आपको बहुत से लेक्चर में ये बता रखा है कि अगर आपको कहीं भी प्रिफिक्स के तौर पर आ, किसी भी बायोलॉजिकल टर्म में मोनो लगा हुआ दिखाई देता है तो उसका मीनिंग क्या होता है मोनो हियर रिप्रेजेंट द सिंगल और वन ये वन और सिंगल को रिप्रेजेंट करता है और ये जो कोकस होता है आपने जाना कि कोकस कहने का सेंस क्या है कि इसका शेप क्या होगा स्फेरिकल शेप होगा ठीक है तो देखिए आप ये कहेंगे कि बेसिकली इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल मैनर में अरेंज होते हैं वो भी कोकस सेप में ठीक है सिंगल ही बैक्टीरिया की बात करेंगे सिंगल यूनिट की बात करेंगे तो आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि ये जो कोकस या फिर मोनोकोकस जो होता है मोनोकोकस में बैक्टीरिया जो है वो कुछ इस तरीके से, से शेप में अरेंज होंगे और केवल एक सिंगल केवल एक सिंगल ही मैनर की बात करेंगे इस तरह से यहाँ पर सिंगल अरेंज होते हैं उसके बाद देखिए हम सीधे आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है डिप्लोकोकस तो इसको अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि डिप्लोकोकस का मीनिंग क्या होता है तो देखिए डिप्लो यहाँ पे डिप्लो टर्म का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट डिप्लो टर्म का मीनिंग होता है पेयर या फिर आप इसे कह सकते हैं टू राइट डिप्लो टर्म यहाँ पर टू को रिप्रेजेंट करता है तो इसका कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि यहाँ पर अगर इसका मीनिंग टू होता है तो आप ये कह सकते हैं कि इस तरह के जो बैक्टीरिया है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे पाए जाएंगे मतलब टू या फिर पेयर के फॉर्म में अरेंज होते हैं मतलब जोड़े बनाए हुए रहते हैं पेयर्ड होते हैं तो आप ये कह सकते हैं इसका शेप तो बेसिकली क्या है कोकस है तो इसका शेप तो आप स्फेरिकल या राउंड शेप पे ही कंसिडर करेंगे लेकिन इसका जो अरेंजमेंट होता है वो बेसिकली यहाँ पर कुछ इस मैनर में आपको दिखाई देगा तो आप ये कहेंगे ये इस तरह से यहाँ पे इसके टू यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे या फिर ये जो हैं पेयर्ड कोकाई होते हैं या पेयर्ड कोकाई वाले बैक्टीरिया होते हैं जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होते हैं अगर इसका एक सिंगल यूनिट हो और कोकस शेप में हो मतलब स्फेरिकल शेप में हो तो उसे कहते हैं मोनोकोकस ठीक है और डिप्लोकोकस का मीनिंग क्या है कि वो पेयर्ड कोकस शेप रखने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपको इस सिंगल डायग्राम में मैंने बताया हुआ है अगर हम इसी डिप्लोकोकस कैटेगरी में अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो डिप्लोकोकस कैटेगरी में एक एग्जाम एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिख रहा है स्टूडेंट इट इज अबाउट द डिप्लोकोकस न्यूमोनी ठीक है यहाँ पे कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है कि डिप्लोकोकस टाइप के बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं ये क्या है ये यह है यहाँ पर डिप्लोकोकस निमोनी डिप्लोकोकस निमोनी बेसिकली आप ये कह सकते हैं डिप्लोकोकस कैटेगरी में आने वाले बैक्टीरिया होते हैं जिसमें इस तरीके से यहाँ पर जो है टू स्फेरिकल शेप वाले बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं और आपको यहाँ पर इस शेप में दिखाई देते हैं ठीक है तो हमने यहाँ पर कुछ एक बेसिक बात आ, डिस्कस किया है एक और बार हम रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद कोकस में ही हमें और कौन कौन से कैटेगरी और क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करना होता है हम ये देखेंगे तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इन सभी पॉइंट को इनिशियल वे में देखिए मैंने आपको कहा कि आज का हमारा टॉपिक था शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया और शेप और साइज में से हम पहले लीड कर रहे हैं शेप ऑफ़ बैक्टीरिया को और शेप ऑफ बैक्टीरिया में हम बेसिकली यहाँ पे फोर शेप की बात करते हैं इन वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ शेप जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है इट इज़ अबाउट द कोकस ठीक है इसे आप कोकाई कहते हैं जो कि स्फेरिकल राउंडेड शेप में होते हैं ओवल होते हैं नेक्स्ट शेप यहाँ पे रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं जो कि इसे बेसिलस भी कहा जाता है नेक्स्ट यहाँ पे स्पाइरल होता है जो कि हेलिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं जिसके बारे में अभी हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं और लास्ट शेप जो होता है कैटेगरी होता है इट इज़ अबाउट द विब्रियो और विब्रियो का कहने का मतलब है कि इसमें इस कैटेगरी इस में विब्रियो शेप का मीनिंग है कि कोमा कोमा की तरह शेप वाले बैक्टीरिया जो हैं वो विब्रियो में कंसिडर किए जाते हैं आई होप कि आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स समझ में आ गया होगा उसके बाद हमने जो वेरी फर्स्ट जो कैटेगरी था हमारा कोकस उसे हमने स्टार्ट किया मैंने कहा दे आर फाउंड या फिर दे आर फाउंड इन द राउंड एंड एज वेल एज द तो ओवल शेप ठीक है ये किस में पाए जाते हैं ये यहाँ पर राउंड और ओवल शेप में पाए जाते हैं इसमें फ्लिजिला लाइक -like स्ट्रक्चर अगर अब्सेंट होगा तो लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है और अगर लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है देन यू कैन से कि यहाँ पर ये क्या होंगे ये नॉन मोटाइल होंगे फिर मैंने आपको बताया कि दिस पर्टिकुलर कोकर शेप ऑफ बैक्टीरिया मे बी डिवाइडेड एंड मे बी क्लासिफाइड इंटू सम कैटेगरीज इन, तो इन विच द तो वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज अबाउट मोनोकोकस हियर मोनो रिप्रेजेंट द सिंगल और वन इफ़ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ या सेप ऑफ बैक्टीरिया इज अरेंज इन अ सिंगल मैनर यहाँ पर इस डाइग्राम में आप देख सकते हैं तो इसे कहेंगे आप मोनोकोकस अगर ये यह यहाँ पर इस तरीके से पेयर्ड फॉर्म में अरेंज होते हैं बट स्फेरिकल शेप में होते हैं देन यू कैन से इट इज़ कैटेगराइज इन टू द डिप्लोकोकस एंड हियर यू कैन सी द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल एंड इन दिस कैटेगरी इट इज़ अबाउट द डिप्लोकोकस निमोनिया बेसिकली डिप्लो कोकस निमोनिया इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया हु इज क्लासिफाइड एंड स्टडीड अंडर कोकस शेप एंड स्पेशली डिप्लोकोकस शेप राइट आई होप कि आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे अब चलिए हम यहाँ पर इसी कोकस या कोकाई शेप स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया में ही कुछ और कैटेगरी को यहाँ पर हम स्टडी करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको सब मोर शेप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है और ये कौन कौन से हैं हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट ये कौन कौन से हैं देखिए वेरी फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है टेट्राकोकस ठीक है इसमें इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको क्या दिख रहा है टेट्राकोकस हमने अभी मोनोकोकस डिप्लोकोकस के बारे में देखा अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं टेट्राकोकस के बारे में पहले हम ये समझ लें कि यहाँ पर टेट्रा का मीनिंग क्या होता है तो देखिए यहाँ पर टेट्रा का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पर टेट्रा का मीनिंग होता है फोर क्या होता है फोर होता है और कोकस का मतलब आप जानते हैं कि फोर तो है लेकिन ये किस शेप में होगा ये राउंड शेप में होगा राउंडेड बैक्टीरिया की हम बात करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि किस में बेसिकली आप ऐसे बैक्टीरिया की बात करते हैं जब आप ये कहेंगे कि वैन फोर कोकाई फाउंड इन अ ग्रुप ठीक है आप ये कहेंगे कि अगर चार तरह के कोकस कोकसिप वाले बैक्टीरिया ग्रुप में पाए जाते हैं तो इसे आप टेट्रा कोकस कैटेगरी में कंसिडर करेंगे तो इसको हम एक सिंगल डायग्राम के थ्रू ऑटलाइन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसमें कुछ बैक्टीरिया का जो अरेंजमेंट होगा अगर राउंड शेप है तो हम राउंड शेप की ही बात करेंगे बट यहाँ पे फोर यूनिट है जिसे यहाँ पे आपको मेंशन करना है डायग्राम में तो आप कहेंगे कि ये जो बैक्टीरिया है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर अरेंज होते हैं देखिए मैंने कितने आ, पर्टिकुलर मैनर में यहाँ पर बैक्टीरिया की बात की है मैंने यहाँ पे फोर यूनिट्स की बात की है कुछ इस तरीके से यहाँ पे ग्रुप में जो है केवल चार कोकाई शेप वाले जो बैक्टीरिया होते हैं पाए जाते हैं और हमें देखने को मिलते हैं तो इस तरह के अरेंजमेंट और शेप ऑफ बैक्टीरिया को आप ये कहेंगे कि ये क्या है टेट्राकोकश टाइप ऑफ बैक्टीरिया है ठीक है इसके बाद देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात करने वाले हैं इन वेरी फर्स्ट कोकस शेप इट इज अबाउट द स्टेप्टोकोकस देखिए ये इंपॉर्टेंट है स्टेप्टोकोकस को आप कैसे डिफाइन करते हैं स्टेप्टोकोकस में बेसिकली ये कहा जाता है आपको यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है स्टेटमेंट दिख रहा है कि मेनी कोकस बैक्टीरिया आर अरेंज इन अ स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बहुत सारी ठीक है हम केवल फोर यूनिट की बात नहीं करेंगे यहाँ पे बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो स्ट्रेट चेन में एक चेन का फॉर्म करते हैं चेन का फॉर्मेशन करते हैं और उसी स्ट्रेट चेन में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है वो किस पर्टिकुलर मैनर में हमें दिखाई देते हैं तो आप ये कहेंगे ये स्ट्रेट चेन में हमें दिखाई देते हैं और स्ट्रेट चेन कहने का मतलब क्या है ये राउंडेड शेप में कुछ इस तरीके से हम बात करते हैं तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बैक्टीरिया अरेंज होते हैं जिस जो कि आपको किस शेप पर दिखाई दे रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन में मैंने बनाया है बिल्कुल ही एक सीधा लाइन है और स्ट्रेट चेन में इस तरीके से बैक्टीरिया यहाँ पर अरेंज होते हैं और स्फेरिकल शेप में होते हैं तो आप ये कहेंगे कि ये किस कैटेगरी में कंसिडर किए जाएंगे तो ये स्ट्रेप्टोकोकस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं ठीक है अब देखिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट द स्टेफिलोकोकस स्टेफिलोकोकस बेसिकली बैक्टीरिया के शेप में वो कैटेगरी है जब आप ये कहते हैं कि जो बैक्टीरिया है यहाँ पर uh, अंगूर के गुच्छे मतलब ये कहेंगे कि ग्रेप ऑफ बंच ये जो बंचेज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ग्रेप्स के बंचेज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और इस सेप में ही अरेंज होते हैं तो इसे आप कहेंगे स्टे फाइलो ठीक है अब देखिए एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली ये किस तरीके से यहाँ पे अरेंज होते हैं तो आप ये कहते हैं यहाँ पर स्टूडेंट कि बेसिकली इसका जो अरेंजमेंट होगा वो बिल्कुल ही रैंडम इंडिपेंडेंट मैनर में होगा ठीक है और इस तरीके बंचेज शेप को यहाँ पर ये क्या करेंगे एग्जिबिट करेंगे परफॉर्म करेंगे तो आपको ये जो शेप इस डायग्राम में मैंने आपको बताया है ये क्या है ये यह यहाँ पे ग्रेप्स के बंचेज की जैसे स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे शेप में दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि ये कौन सा कैटेगरी होगा स्टेफिलोकोकस होगा इस्टेफिलोकोकस का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट इस इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे जो कोकस सेप वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो अरेंज होते हैं किस सेप में मैंने कहा ये ग्रेप लाइक बंचेज में अरेंज होते हैं और ये कुछ शेप जो आपको दिखाई देगा वो इस तरीके से रेंडम मतलब इनके नंबर कितने भी हो सकते हैं इनका अरेंजमेंट कैसा भी हो सकता है इ अरेंजमेंट एंड अनकाउंटेबल नंबर की हम बात करते हैं ठीक है तो देखिए तो हमने यहाँ पे स्टाइफिलोकोकस जो शेप होता है इसको भी हमने डिस्कस किया कि बैक्टीरिया इसमें कैसे और किस शेप में और किस मैनर में अरेंज होते हैं अब देखिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं इट इज़ अबाउट द सरसिनी और सरसाइन राइट right? दोनों ही टर्म्स यहाँ पे यूज़ में लिया जाता है बेसिकली इस तरीके जो बैक्टीरिया है एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देते हैं और ये जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है मैं आपको पहले डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ देखिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं बेसिकली एक क्यूब लाइक क्यूब आपको बनाना आता है हमने कहा कि ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ठीक है ये लाइक स्ट्रक्चर -like है और अगर बैक्टीरिया इस तरीके के क्यूब लाइक स्ट्रक्चर या क्यूबिक स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देता है तो आप ये कहेंगे कि उसको हम कैटेगराइज करेंगे किस कैटेगरी में इसे हम कहेंगे सरसीन और सरसीनी कहेंगे राइट और इसमें अगर हम बैक्टीरिया के नंबर की बात करें तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है कि एट 864 फोर और मोर देन सिक्सटी फोर नंबर ऑफ कोकाई मेक अ क्यूबिकल स्ट्रक्चर तो आप इसे क्या कहते हैं सरसिनी और सरसाइन कहते हैं कि ये क्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं <coughs> सॉरी जिसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना होता है जिसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पर एट हो सकते हैं ये सिक्सटी फोर हो सकते हैं या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये सिक्सटी फोर से ज़्यादा भी हो सकते हैं तो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ द सिक्सटी फोर तो इस तरीके से यहाँ पे क्यूब लाइक शेप में अगर अरेंज होते हैं तो इस कैटेगरी को हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे स्टूडेंट सरसाइन कहेंगे एक और बार हम इन सभी तरह के सेप जो कि हमने इस स्लाइड में डिस्कस किया है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं देखिए मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया स्टूडेंट मैंने आपको बताया टेट्रा कोकस के बारे में हियर टेट्रा रिप्रेजेंट द फोर जब यहाँ पे फोर कोकस शेप वाले जो बैक्टीरिया हैं फोर कोकाई फाउंड हमें पाए जाते हैं पर्टिकुलर एक ग्रुप में तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा ठीक है यहाँ पे हम केवल फोर की ही बात करते हैं लेकिन अगर यही कोकस uh, सेप वाले बैक्टीरिया एक स्ट्रेट चेन में एक सीधी चेन में आपको दिखाई देते हैं जैसे कि मैंने इस डायग्राम में आपको बताया है तो इसे आप क्या कहेंगे इसे आप कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस एक और है जिसे आप कहते हैं स्टाइफिलोकोकस स्टाइफिलोकोकस में बेसिकली कितने भी नंबर हो सकते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा भी हो सकता है रेगुलर अरेंजमेंट की हम बात करते हैं और ये जो है ग्रेप्स के बंचेस के फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे जिसे आप कहते हैं स्टाइफलो राइट अब देखिए नेक्स्ट कैटेगरी क्या है इट इज़ अबाउट द सरसिनी और सरसाइन सरसिनी और सरसाइन जो है वो क्यूबिक लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज बैक्टीरिया होते हैं तो इस शेप में जो बैक्टीरिया जो कि यहाँ पे क्यूब लाइक शेप में अरेंज होते हैं इनके नंबर्स एट हो सकते हैं सिक्सटी फोर हो सकते हैं मोर देन सिक्सटी फोर भी पॉसिबल है तो ये हमने यहाँ पर बातचीत कर ली है अब हम सीधे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट शेप ऑफ बैक्टीरिया के तरफ इट इज़ अबाउट द बेसिलस शेप ठीक है हम यहाँ पे बेसिलस शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात करने वाले हैं कि बेसिलस शेप में हमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए अब देखिए बेसिलस जब भी टर्म आपके माइंड में आए तो इसका बेसिकली हमने ऑलरेडी इसके बारे में स्टडी किया हुआ है कि बेसिलस जो है यहाँ पे सेकेंड सेप है बैक्टीरिया का और इसका मीनिंग क्या है हम कौन से शेप की बात करते हैं हम यहाँ पे रोड शेप में पाए जाने वाले ठीक है छड़ जैसे रोड शेप में पाए जाने वाले बैक्टीरिया की बात करते हैं इसमें पॉइंट गिवन है कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर बेसिलस टाइप ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो यहाँ पर बेसिलस टाइप में ही हमें मिलते हैं और ये जो बैक्टीरिया है अब देखिए ये बैक्टीरिया यहाँ पर मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं जबकि हमने कोकस में केवल देखा था कि वो नॉन मोटाइल होते हैं बल्कि इसमें हम ये कहेंगे कि ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं ठीक है और देखिए अगर हम रॉड शेप की बात करें तो आपको एक आ, डायग्राम के थ्रू आपको समझा दूं कि रॉड शेप में बैक्टीरिया आपको कैसे दिखाई देते हैं ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं ये ना तो ओवल शेप है ना स्फेरिकल और राउंडेड शेप की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे रॉड लाइक कुछ इस तरीके से देखिए रॉड लाइक जो कि आपके स्किन पे मैंने बनाया है कुछ ऐसे इस शेप में आपको दिखाई देते हैं और इनके अरेंजमेंट के बेसिस पे कि ये किस मैनर में और कैसे कैसे अरेंज होते हैं दिस पर्टिकुलर बेसिलस शेप ऑफ बैक्टीरिया रॉड शेप ऑफ बैक्टीरिया में बी क्लासीफाई इन सम कैटेगरीज इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेरी फर्स्ट कैटेगरी दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इट इज़ अबाउट द मोनो बेसिलस एज यू नो हियर मोनो टर्म रिप्रेजेंट वन और सिंगल अगर बेसिलर शेप इट मीन्स कि ये रॉड शेप वाले जो बैक्टीरिया हैं अगर उनका नंबर अगर सिंगल होता है तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट आप ये कहेंगे कि ये जो सिंगल रॉड शेप वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो यहाँ पे मोनोबैसिलस के फॉर्म में कंसिडर किए जाते हैं तो अब हम इसको अगर बनाएं तो देखिए ये जो मैंने बनाया है एक सिंगल मैनर में ही बनाया है एक सिंगल यूनिट बनाया है तो इस तरीके जो बैक्टीरिया होते हैं ये मोनोबैसिलस होते हैं एक डायग्राम के थ्रू हम समझें तो देखिए मैंने एक सिंगल रॉड लाइक यहाँ पे बैक्टीरिया बना दिया है तो सिंगल रॉड शेप में पाए जाने वाले बैक्टीरिया मोनोबेसिलस होते हैं आई होप कि आप समझ गए होंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है डिप्लो बेसिलस के बारे में डिप्लो बेसिलस में क्या गिवन है आप ये जानते हैं कि डिप्लो कहने का मीनिंग क्या है डिप्लो कहने का मीनिंग ये है स्टूडेंट कि यहाँ पर यह टू को रिप्रेजेंट करेगा और पेयर को रिप्रेजेंट करेगा जैसे हमने डिप्लो कोकस में स्टडी किया था वैसे ही यहाँ पे डिप्लो बेसिलस है बस यहाँ पे शेप राउंडेड नहीं होगा ये होगा रॉड शेप छड़ जैसा ठीक है देखिए यहां जो आ, अगर शेप की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे शेप में हमें दिखाई देंगे ये यहां पर हम पेयर की बात करते हैं यहां पे हम टू रोड शेप की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे हमें दिखाई देते हैं स्टूडेंट ये देखिए कुछ इस तरीके से इस तरह से हमें शेप में बैक्टीरिया अरेंज दिखाई देते हैं जैसे हम यहाँ पे डिप्लो कोकस में कंसिडर करते हैं जहाँ पे आप ये कहते हैं कि टू रॉड शेप वाले बैक्टीरिया कुछ ऐसे अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं तो इसे आप कंसिडर करेंगे डिप्लो बेसिलस ठीक है तो अगर हम ये कहें कि बेसिलस में केवल सिंगल रॉड शेप बैक्टीरिया है कुछ ऐसा जो कि इस डायग्राम में दिख रहा है ड एज अ मोनोबेसिलस एक होता है डिप्लो जिसमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ, टू रॉड शेप में बैक्टीरिया यहाँ पर अरेंज होते हैं आई होप कि आप समझ गए होंगे कि देखिए अब हम यहाँ पे बेसिलस में ही सम मोर कैटेगरीज ऑन द अरेंजमेंट ऑफ शेप के बेसिस पे हम कुछ और कैटेगरीज को स्टडी करने वाले हैं हमने अभी तक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द टू बेसिक शेप इन दिस पर्टिकुलर बेसिलस कैटेगरी राइट right? हमने यहां पे मोनोबेसिलस डिप्लोबेसिलस बेसिलस के बारे में स्टडी किया अब देखिए, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करने वाले हैं द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शेप इन द बेसिलस इट इज अबाउट द स्ट्रेप्टोबेल अब देखिए, मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये स्टेप्टोबेसिलस का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट स्टेप्टोबेसिलस में बेसिकली क्या कहा जाता है स्टेप्टो बेसिलस में ये कहा जाता है कि वैन मेनी बेसिलाई बेसिलाई इट मीन्स रॉड शेप ठीक है बेसिलाई का मीनिंग ही क्या होता है आप ये जानते हैं कि हम यहाँ पे रॉड शेप वाले बैक्टीरिया की बात करते हैं तो जब इस तरीके के बहुत सारे जो रॉड शेप वाले जो बैक्टीरिया हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन हो एंड दैट विल पर्टिकुलर रिमेन ज्वाइन इन द फॉर्म ऑफ अ सीरीज एक तरीके से सीरीज में एक वैसा ही जैसा हमने uh, यहाँ पे स्टेप्टो में डिस्कस किया था वहाँ पे वो पर्टिकुलर एक स्ट्रेट लाइन में एक सीरीज बना करके एक चेन बना करके वो अरेंज थे वैसा ही कुछ हम यहाँ पे स्टेप्टोबेसिलस में कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट तो देखिए आप क्या कहेंगे आप ये कहेंगे कि यहाँ जो बैक्टीरिया का अरेंजमेंट होगा कुछ ऐसा होगा हम यहाँ पे रॉड शेप बैक्टीरिया की बात करेंगे लेकिन एक लॉन्ग चेन हमें दिखाई देगा कुछ इस तरीके देखिए यहाँ पे इस तरीके के जो है लॉन्ग चेन यहाँ पर एक सीरीज दिखाई देगा आपको तो आप ये कहेंगे कि ये जो डायग्राम में आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट ये क्या है यहाँ पे स्टेप्टोबैसेस के बारे में पॉइंट गिवन है ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जब बहुत सारे जो रॉड शेप वाले इस तरीके के सीरीज में बैक्टीरिया अरेंज हो जाते हैं तो उसे हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे कौन से कैटेगरी में इसे हम यहाँ पे स्टेप्टोबैसेस के कैटेगरी में हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस तरीके के शेप वाले जो बैक्टीरिया हैं स्ट्रेप्टोबेसिलस बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल कौन सा है तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है स्टूडेंट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेसिलस सब टेलिस क्या है एग्जाम्पल बेसिलस सब टिल्स ये जो बेसिलस सब टिलस है ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो किस कैटेगरी में आते हैं जो कि यहाँ पर स्ट्रेप्टोबेसिलस के कैटेगरी में आते हैं और इसके लिए क्या कहा जाता है कि ये जो बेसिलस सबस बैक्टीरिया होता है आ, इसमें क्या होगा इसके आ, पर्टिकुलर इस तरह के बैक्टीरिया के चारों तरफ इसके सराउंडिंग में क्या पाया जाएगा इसके सराउंडिंग में यहाँ पर क्या पाया जाता है म्यूकिलेज मतलब यहाँ पे म्यूकिलेज की एक कवरिंग प्रेजेंट होती है तो आप ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रेप्टो बैक्टीरिया है और इसके सराउंडिंग में कुछ इस तरह की म्यूकिलेज से बनी हुई कुछ कवरिंग यहाँ पर प्रेजेंट होती है देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे कह दिया कि

बेसिकली इसके लिए क्या कहा जाता है इसको यहाँ पे एक स्पेशल टर्म गिवन होता है दैट इज जुगलिया इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट इस इसे यहाँ पर जुगलिया कहते हैं देखिए यहाँ पर ये टर्म गिवन है कि इस तरीके के बैक्टीरिया जिसे हम यहाँ पर स्टेप्टो में काउंट कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे जो बेसिलाई शेप वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपस में एक सीरीज में अरेंज होते हैं तो मैंने यहाँ पर इस डायग्राम में बता दिया आपको लेकिन इसके सराउंडिंग में भी कुछ म्यूकुलेट से बनी हुई कवरिंग प्रेजेंट होती है और उस कवरिंग को हम यहाँ पे जुगलिया कहते हैं ठीक है आई होप कि आप समझ गए होंगे लेकिन इसी इसी ही बेसिलस सबटिलस को यहाँ पर और क्या क्या कहा जाता है इसी को ही यहाँ पर स्टूडेंट कहा जाता है ड्राई घ्रास है ना ड्राई ग्रास कहने का मतलब सूखी घास भी इसे कॉमनली कहा जाता है इसके साथ साथ यहाँ पर इसे हे बैक्टीरिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड इट इज़ ऑल्सो नन एज अ बैक्टीरिया इसे हे बैक्टीरिया भी कहते हैं हे hey, फीवर भी कहते हैं ठीक है तो आपने यहाँ पर क्या स्टडी किया मैं आपको स्टार्टिंग से एक और बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैंने कहा स्टेप्टोबेसिलस में एक एग्जाम्पल है हमारे पास वो क्या है बेसिलस सबटिलिस बेसिलस सबक्लिस का यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया बहुत सारे रॉड शेप के बैक्टीरिया आपको दिख रहे हैं एक सीरीज में दिख रहे हैं जिसके बाहर म्यूक्लियस की कवरिंग प्रेजेंट होती है इस कवरिंग को हम जुगलिया कहते हैं इस बेसिलस सबक्लस जो बैक्टीरिया जो कि स्टेप्टो बेसिलस कैटेगरी में स्टडी करते हैं और एग्जाम्पल होता है इसको हम ड्राई ग्रास भी कहते हैं सूखी घास कहते हैं या फिर आप इसे कहेंगे हे बैक्टीरिया और हे फीवर भी इसे टर्म दिया जाता है तो हमने देखिए बेसिलस मतलब सेकेंड टाइप ऑफ या सेकेंड शेप ऑफ बैक्टीरिया को भी हमने डिस्कस कर लिया अभी तक हमने देखिए अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है अभी तक हमने टू शेप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द कोकस शेप एंड एज वेल एज अभी हमने स्टडी किया बेसिलस शेप के बारे में भी ठीक है अब देखिए टू मोर शेप दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाउ इट इज यहाँ पे देखिए टू मोर शेप जो यहाँ पे दो और शेप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पे थर्ड शेप की बात करें इट इज नॉन एज अ स्पाइरल शेप और फोर्थ शेप की बात करें इट इज नॉन एज अ विब्रियो शेप इन दोनों शेप को अब हम यहाँ पे डिटेल में विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम स्टडी करने वाले हैं राइट right? अब देखिए अगर हम यहाँ पे वेरी फर्स्ट कैटेगरी अगर हम यहाँ पे वेरी फर्स्ट कैटेगरी इट मीन्स हम स्पाइरल की बात करते हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया था स्पाइरल कहने का मतलब है कि ये हेलिकल बैक्टीरिया भी होते हैं हेलिकल शेप में अरेंज होते हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसका अरेंजमेंट आखिर होगा कैसा तो इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है आप स्पाइरल शेप बैक्टीरिया या फिर स्पाइरल शेप के बारे में जानते हैं कुछ ऐसे शेप में होते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये बैक्टीरिया कुछ ऐसे शेप में हमें मिलेंगे ठीक है कुछ ऐसे शेप में ये हमें मिलेंगे और इस तरीके जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसे शेप में मिलते तो हैं लेकिन इसमें एक और पॉइंट इसमें एक और पॉइंट जो कि यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा कि ये जो शेप आपको दिख रहा है ये क्या है ये है यहाँ पे स्पाइरल, मतलब हेलिकल शेप के बैक्टीरिया को मैंने बनाया है जो कि इस तरीके से यहाँ पे शेप में हमें मिलेंगे तो ये जो स्पाइरल और हेलिकल शेप वाले बैक्टीरिया होते हैं उसके एंड पर मतलब उसके किनारे पे उसके छोर पे, यहाँ पे, बेसिकली उसके एंड पर क्या होता है फ्लेजिला प्रेजेंट होता है फ्लेजिला का नंबर वन भी हो सकता है और मोर देन वन एक से ज़्यादा भी हो सकता है तो देखिए इसका एंड ये है तो इसके एंड पर कुछ ऐसे फ्लेजिला यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कुछ ऐसे फ्लेजिला लाइक -like स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे ठीक है तो यहाँ पे फ्लेजिला प्रेजेंट है उसके एंड पर तो बेसिक सी बात है कि अगर फ्लेजिला यहाँ पर एक या फिर एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो आप क्या कहेंगे आप ये कहेंगे कि ये कैसे हो गए अब ये ये मोटाइल हो गए ये कैसे हो गए ये अब यहाँ पे लोकोमोशन कर पाएंगे ये मोटिलिटी को शो कर पाएंगे तो यहाँ पे हम स्पाइरल और हेलिकल बैक्टीरिया के भी बात कर लिए हैं तो देखिए यहाँ पे पॉइंट बेसिकली क्या गिवन था कि दे आर ए स्पायरल शेप बैक्टीरिया जो कि हम जानते हैं हेलिकल शेप बैक्टीरिया होते हैं और दे हैव हाँ वन और मोर देन वन फ्लेजिला एट द एंड इस तरीके के जो स्पाइरल शेप वाले बैक्टीरिया होते हैं उसके एंड पर उसके किनारे पे एक फ्लेजिला भी हो सकता है मोर देन वन फ्लेजिला भी हो सकता है और इसीलिए फ्लेजिला प्रेजेंट है लोकोमोशन कर पाएंगे और इसमें मोटिलिटी प्रेजेंट होगा तो ये कैसे होंगे ये मोटाइल टाइप के होंगे स्टूडेंट ठीक है आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा अब हम सीधे विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लास्ट पर्टिकुलर शेप जो भी प्रेजेंट होते हैं तो मैंने आपको एक सिंगल पॉइंट बताया हुआ है हमें मिलेंगे तो कोमा शेप वाले जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसको विब्रियो फॉर्म में कंसिडर करते हैं तो कोमा शेप कैसा इस अगर हम इसको डायग्राम में बनाएं आप सभी को कोमा शेप या फिर कोमा शेप के बारे में बेसिक नॉलेज होगा कुछ ऐसे ये क्या है ये कोमा शेप मैंने बनाया है ये इस तरीके से कोमा शेप में आपको दिखाई देते हैं और ये जो बैक्टीरिया है उसको हम विब्रियो फॉर्म या फिर विब्रियो शेप वाला बैक्टीरिया कहते हैं जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे स्पाइरल में बताया था कि ये स्पाइरल या हेलिकल शेप के होते हैं वैसे ही हम यहाँ पे विब्रियो फॉर्म में कह रहे हैं कि इसका शेप कैसा होता है ये ये कोमा शेप वाले बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपको बेसिकली इस तरीके से दिखाई देते हैं ठीक है अब देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है और एग्जाम्पल से पहले यहाँ पे गिवन है कि दे हैव हाँ फ्लेजिलेट इट वन एंड इसके एक किनारे पे फ्लेजिला प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है फ्लेजिला प्रेजेंट होगा तो आप क्या कहेंगे

ये स्लाइड का रिप्रेजेंटेशन अच्छा लगा अगर आपको ये स्लाइड का रिप्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो आप इसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं ताकि हम इसी ही पर्टिकुलर मैनर में आने वाले लेक्चर्स को अपलोड करें कि स्लाइड ऑलरेडी गिवन हो और मैं उसको एक्सप्लेन करूं, ताकि बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट आप तक प्रोवाइड कर पाऊँ ठीक है तो देखिए हमने यहाँ पर जो है इस लेक्चर में शेप को कवर कर लिया है अभी तक मैंने फोर शेप कोकस बेसिलस स्पाइरल और विब्रियो को विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड द एग्जांपल्स आपको एडवांस लेवल पे समझाया ठीक है अब देखिए अभी तक हमने जो भी बात की है उसमें एन के सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं स्टूडेंट ठीक है तो आपको यहाँ पे वरिड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि एन से अब एबब द लेवल ले जा रहा हूँ या फिर एन मैं कवर कर रहा हूँ या नहीं मैंने ऑलरेडी सारे पॉइंट्स एन सी के कवर कर लिए हैं तो हमने यहाँ पे शेप को तो स्टडी कर लिया बट वॉट अबाउट द साइज साइज से क्या मीनिंग है तो साइज़ के बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए फिर भी यहाँ पे कुछ एक बेसिक बात मैं आपको बताने वाला हूँ साइज के बारे में कि साइज़ में देखिए आपको अलग अलग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उसके मॉड्यूल्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा तो देखिए हम इसको नोट पॉइंट में कंसिडर कर लेते हैं नोट पॉइंट में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ स्टूडेंट साइज़ के बारे में अगर हम यहाँ पे साइज़ ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करें तो साइज़ ऑफ बैक्टीरिया के बेसिस पे वेरी फर्स्ट कैटेगरी मैं आपको बताने वाला हूँ इट इज़ अबाउट द बैक्टीरिया जो कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट साइज के होते हैं सबसे छोटे साइज़ के जो बैक्टीरिया होते हैं तो हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे हम यहाँ पर वेरी फर्स्ट डिस्कस करते हैं स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया तो देखिए उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे जिसे यहाँ पर कंसिडर किया जाता है लार्जेस्ट बैक्टीरिया क्या कंसिडर किया जाता है उसे मैंने कहा यहाँ पे लार्जेस्ट बैक्टीरिया लार्जेस्ट की बजाय आप यहाँ पे लॉन्गेस्ट भी कह सकते हैं और ये हम ऐसे बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जो कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट तो है बट ये जो बैक्टीरिया है मैं बात कर रहा हूँ ये है फिलामेंटस बैक्टीरिया क्या है हम यहाँ पे फिलामेंटस जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि फिलामेंट फॉर्म करते हैं उस तरीके के बैक्टीरिया की यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए मैंने आपको बताया क्या है स्टूडेंट मैंने आपको यह कहा है कि हम यहाँ पे साइज ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि हमने शेप के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अगर हम यहाँ पे साइज़ ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करें तो मैंने आपको कहा कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लार्जेस्ट बैक्टीरिया लार्जेस्ट को यू कैन से इट आज़ अ लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया बट हम हाँ पे फिलामेंटस टाइप के जो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया है हम उसकी बात कर रहे हैं तो देखिए अगर हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया अगर हम इसको डिस्कस करें तो आपको क्या कहना होता है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है वो कौन सा है तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया में ये कौन सा है ये होता है यहाँ पे स्टूडेंट हिमोफिलस क्या होता है ये होता है यहाँ पे हिमोफिलस ठीक है क्या होता है हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी क्या कहते हैं आप इसे कहते हैं हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी तो ये जो हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया है जो कि आपकी स्किन पे दिखाई दे रहा है जिसके बारे में मैंने अभी बताया ये जो हिमोफिलस इन्फ्लुएंसी बैक्टीरिया है ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया यहाँ पर कंसिडर किया जाता है बिल्कुल नोट का पॉइंट है एन ने इसके बारे में नहीं बताया है हालाँकि साइज़ के बारे में भी बहुत सारे मॉड्यूल्स में आपको कोचिंग के मॉड्यूल्स में क्वेश्चन मिल जाते हैं दैट्स वाई मैंने आपको ये बताया है कि आप किसी भी इंडिविजुअल कोचिंग के मॉड्यूल्स को अगर उठाएं तो आपको इन सभी कंटेंट या इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आप एबल हो पाएं उन सभी क्वेश्चंस और वेरियस और वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अब हम यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग द टाइम अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट फिलामेंटस टाइप ऑफ बैक्टीरिया कौन सा होता है तो यहाँ पर भी मैं एग्जाम्पल बताने वाला हूँ आपको एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट एग्जाम्पल होता है यहाँ पे बेगिया टोआ क्या है बेगिया टोआ बेगिया टोआ मीराबिलस ठीक है बेगिया टोआ जो मीराबिलस टाइप का जो बैक्टीरिया है क्या है मैंने कहा आपको कि हम यहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं मैंने कहा मीराबिलस राइट वन सेकेंड यहाँ पे देखिए मैं आपको बताने वाला हूं बेगिया टोवा मेरा बिलस टाइप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में तो देखिए ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है कि ये जो बेगिया टोआ मेरा बिलस है उसके बारे में आपको यहाँ पर क्या मालूम चला कि भी ये जो है बेसिकली वो बैक्टीरिया है जिसका अगर हम साइज की बात करते हैं वो सबसे बड़ा होता है ये लार्जेस्ट बैक्टीरिया भी होते हैं इनकी लेंथ भी बहुत ज्यादा होती है तो ये लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया भी होते हैं बट ये कौन से बैक्टीरिया हैं आप कहेंगे फिलामेंटस बैक्टीरिया फिलामेंट फॉर्म करते हैं तो आपका यहाँ पे दो नोट पॉइंट हो गया इन द साइज ऑफ बैक्टीरिया में ये कौन कौन सा हो गया एक आपने देखा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो कि कौन सा है एग्जाम्पल हमने देखा हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी एक आपने देखा लार्जेस्ट बैक्टीरिया लॉन्गेस्ट फिलामेंटस बैक्टीरिया बेगिया टोआ मिराबिलस आई होप कि आपको साइज और शेप ऑफ बैक्टीरिया में किसी भी तरह के कोई डाउट नहीं होगा अब आपको ये टॉपिक दोनों कवर हो जाएंगे ईजियली तो देखिए हमने मोनेरा किंगडम को तो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है कि जैसा कि बारे में जैसा कि इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि मोदरा किंगडम को स्टडी हमने किया पहले मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक और यू सेल में क्या डिफरेंस होता है उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि यू बैक्टीरिया जो होता है उसको हमें कैसे स्टडी करना है तो आपने देखा था उसके क्लासिफिकेशन में कि यू बैक्टीरिया जो है पहले हम इसमें आ, सेप और साइज़ की बात करते हैं तो मैंने सेप और साइज को यहाँ पर इस कंप्लीट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है अब देखिए सेप और साइज़ को डिस्कस करने के बाद अब जो हमारा टॉपिक होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अब हम यहाँ पे यू बैक्टीरिया या टिपिकल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में किस तरीके से यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन जो है बेसिकली किस किस कम्पोजिशन को कंटेन करता है सेल वॉल किससे बना होता है इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा इसमें और कौन कौन से बेसिक सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया का डायग्राम देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आई होप कि ये लेक्चर आपको बेनिफिशियल लगा हो आपके लिए बहुत ज्यादा एडवेंटेज प्रूफ हो ठीक है तो इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद टॉपिक एंड इट इज अबाउट दैट विल बी अबाउट वो टॉपिक कौन सा होगा दैट विल बी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द यू बैक्टीरिया ठीक है तब तक के लिए जय हिंद जय भारत